तो सर ये एक और कौड़ी है आपके फार्म की, इसकी भी डिटेल दे दीजिए आप। ये अभी दो दांत है। अच्छा। और हमारी पुरानी जो घोड़ी है उसका रिजल्ट है। और ये दिलराज जो दिलबाग का उसकी बच्ची है। अच्छा। और अभी अपने घोड़े से करीब 4-4.5 महीने लगभग टाइम हुआ है, शुभ हुए बिल्कुल दल सिंगारा से। अच्छा, दल सिंगारा से अभी प्रेग्नेंट है जी, और 4-4.5 महीने की है लगभग। हाँ। और मार्किंग में पंचकल्याण है ना? मार्किंग पंचकल्याण। अच्छा, तो ये फर्स्ट बार ही देगी बच्चा? ये फर्स्ट टाइम। अच्छा। दो दांत से पहले इसको कवर करवा दिया और अभी दो दांत की है। अच्छा, ये अपने घर की होम ब्रीड है? होम ब्रीड। अच्छा। होम ब्रीड, इसकी माँ भी यही है। अच्छा, ये मतलब उसकी किसी दिलराज की दिलबाग की पोती होगी। अच्छा, दिलबाग की पोती होगी जी। और माँ इसकी? माँ इसकी ताजन ओद की। अच्छा, अपने पास ही खड़ी जी, बाका सर ताजन ओद। मार्किंग पंचकल्याण है ना? मार्किंग। ठीक है सर, और नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो सर ये एक और घोड़ी है, इसकी भी डिटेल दीजिए आप जी। ये ग्रैंड ग्रेट ग्लोरी है इसका नाम। अच्छा। और 61+ हाइट है। अच्छा। और ये अशोक रत्नाकर अलायंस से है, अशोक जो पार्ट्स इंजीनियर नावा के पास है, उस घोड़े की है। और उम्र हाइट की बात करें तो क्या हाइट की है? 61 हाइट है और उम्र करीब हो गई 7-8 से कम ही होगी, क्योंकि इसने अभी चौथी बार प्रेग्नेंट है और 3 ठाण दिए। अच्छा, अभी कौन से घोड़े से है प्रेग्नेंट है? ये अभी रूबिन स्टार से सुपर है। अच्छा। जो आलमगीर की बच्ची लक्ष्मी है वो इसी घोड़ी की। अच्छा, लक्ष्मी की माँ ये? लक्ष्मी की माँ। अच्छा, और मार्किंग में ये पंचकल्याण है जी? मार्किंग में पंचकल्याण। पंचकल्याण और पूरा पट्टा है? पूरा पट्टा। तो ये खरीदी हुई या ये भी अपने होम ब्रीड है? होम ब्रीड ही समझो, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही हमारे मित्र है। अच्छा। और पड़ोसी कह दो तो उनसे हम लाए हैं। अच्छा। और कई सालों से यहाँ लाने के बाद समझो ने 3 ठाण दी है। अच्छा, चौथी बार अभी प्रेग्नेंट? चौथी बार अभी रूबिन स्टार से सुपर है। ठीक है सर, आगे और देखते। तो सर ये एक और आपके फार्म की घोड़ी है, इसकी भी डिटेल और जी। इसका नाम ग्रेट ग्लोरी है। अच्छा। जो ग्रैंड ग्रेट ग्लोरी अभी जिसके बारे में बताया, हाँ। पंच कल्याण अशोक रत्नाकर की। अच्छा। उसकी छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन है। हाँ, इसकी माँ और बाप दोनों का वही है, अशोक रत्नाकर, और माँ पुरानी ब्रूड मेयर थी यहाँ अपने पड़ोस में। अच्छा। तो उसी घोड़ी की ये दो बच्चे हैं और अब घोड़ी बन गई। अच्छा, तो अभी प्रेग्नेंट है खाली है? ये सुबर है। अच्छा। और मेरे मित्र की घोड़ी है। अच्छा। जो अपने यहाँ स्टेबल है। अच्छा। और मैंने ही 2 साल पहले दी थी। अच्छा। और जिस समय दी थी उस दौरान की एक संक्षिप्त में बात बताता हूँ कि लोगों ने कह दिया कि ये अशोक रत्नाकर की नहीं है, आपको झूठ बोल करके दिया जा रहा है। अच्छा। उन्होंने डीएनए करवाया, क्वालिफाई हुए, तो हमारी मित्रता और अधिक प्रगाढ़ हो गई। और फिर उन्होंने कहा बस ये अपने आप को महफूज आपके वहीं समझती है, इसलिए मैं आपके वहाँ भेज रहा हूँ। अच्छा। जी, अभी देव रूप से गणेश जी गुर्जर के पास। अच्छा, देव रूप से भी सुबर है। अच्छा। हाँ, ये मेरे मित्र महाराष्ट्र के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो और भी नेक्स्ट देखते हैं। तो सर ये भी घोड़ी है बच्ची, ये आपकी फार्म की लास्ट घोड़ी है जी। अच्छा, तो इसकी भी आप डिटेल ले दीजिए। ये अभी उदंत बंसरी है, मिल्क टीथ फिली है। अच्छा। और क्या नाम वगैरह क्या है इसका? काजोल नाम है इसका। अच्छा, काजोल जी। ये अभी 25.5 महीने की होगी है। अच्छा। और हाइट? और हाइट 61+ ही है। अच्छा, 61+ है एग्जैक्ट। और मदर फादर की बात करें तो? मदर और फादर की बात करें तो मदर तो इसकी जो देवराज रणिया वाली बच्ची आई है। अच्छा। वो इसकी सेम मदर है। अच्छा। और इसके फादर की अगर बात करें तो जिस समय ये इसकी माँ सुबर थी और अपने पास आ गई थी। अच्छा। तो छोटी वीरोल में एक मारवाड़ी खूबसूरत घोड़ा था। अच्छा। उससे सुबर थी तो उसकी होगी, लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते कि इसकी कौन सी लाइन। अच्छा, लाइन बिलोंग कर रही।
अननोन नहीं बोल सकते, अननोन कह सकते हैं, फादर साइड से, मदर साइड राज सेकरा। अच्छा ठीक है, बहुत ही शानदार बच्ची है। मार्किंग दो पैर सफेद, हाँ टिक्का है बस बिल्कुल। तो अभी खाली है सुपर है? नहीं ये तो अभी बच्ची, उदंत बच्ची है। अच्छा उदंत है, तो कितने टाइम में कवर करवा लोगे आप इसको? ऑफिस इसको कवर करवाएंगे अभी 4-5 महीने बाद। अच्छा जब 32 महीने की हो जाएगी, 5-6 महीने से, अच्छा तब कवर करवाएंगे, मतलब दो दांत के बाद करवाओ। हाँ दो दांत होने के बाद, 32-33 महीने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस और आपके आने से हमें बेहद खुशी मिली, और सभी जानवर देखे आपके फार्म के, एक से बढ़कर एक जानवर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।